press the bell icon for all the updates. गुड इवनिंग, हेलो, कैसे हैं आप? डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, आज ही हमारे पास दो खबर आई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बारे में पहले जानना चाहिए। वही वही जी, पूछिए। जी, ये पहला अवार्ड है इस साल का जो पद्मावत की तरफ मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है मेरे करियर में, और ये अवार्ड मैं अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे एक साल झेला नहीं होता तो मैं ये फिल्म नहीं कर पाता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू रिसीव इट फॉर द एंटायर टीम ऑफ पद्मावत, एंड यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड योर डॉटर विल बी अ बिग सिस्टर। यस यस, दैट्स ट्रू। द जॉय कम्स फ्रॉम योर फेस। यस, ऑफ कोर्स, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी वी you know, we just felt like sharing it with everybody. Meera said she wanted to put it out on Instagram, and I thought the photograph was really cute, and so it was a spontaneous decision and it just happened. Hello, what's up? How are you? Congratulations. Congratulations to you, and congratulations. I'm going to call you tomorrow with all the updates. I'll call you. Yeah, great. जी, यस, या इट्स अ ग्रेट वीकेंड, इट्स अ ग्रेट वीकेंड। देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन द फैमिली, एंड ईशान इज गिवन अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस। उसको हर तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। इज वेरी वेरी डिजर्विंग ऑफ ऑल द अपलॉज दैट ही इज गेटिंग। इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, एंड ऑफकोर्स ही इज जस्ट स्टार्टेड। बहुत काम करना है उसको, बहुत कुछ सीखना है। ह्यूमिलिटी से, अच्छे से उसको मेहनत करनी है। सो पुट इज हेड डाउन एंड वर्क। ही इज गेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। अपनी पहली फिल्म में माजिद मजीदी के साथ काम करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी दूसरी फिल्म में धर्मा के बैनर के साथ, शशांक के साथ डेब्यू करना इज़ समथिंग दैट ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, और वो बहुत मेहनत कर रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड। जी, हमने 70% फिल्म शूट कर ली है। कुछ 30% बची है। अगले हफ्ते से शूटिंग है, और आई थिंक मई में ख़त्म हो जाएगी। जी, मुझे हमेशा अनीशा जैन डिज़ाइन करती हैं, और मैंने टिसा पहना है। I don't know. I hope that I'm established as a substantial actor. I've been doing this for 15 years, and that's the desire for every actor, to be appreciated and acknowledged and be taken seriously. So I hope so. Of course, Padmavat is a platform which is very wide. It takes you to a very wide range of people. You can reach out to a wider number of people. It's a great opportunity to participate in a film as spectacular as Padmavat. It's one of the most spectacular films of the year. So it was a great opportunity, and I am feeling very happy and excited that I am being given a Best Actor award. And yeah, so it's amazing. It's all good. Competition meant a film ki about this film. It's very personal. देखिए, लोग आपके चारों तरफ हमेशा रहते ही हैं। कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, कुछ साथ में दौड़ रहे होते हैं, कभी आप आगे चले जाते हैं, कभी कोई और। इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू वांट टू सी इट। आई थिंक कंपटीशन इज़ वेरी पर्सनल। जो लोग कम्पीट करना चाहते हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं। आई लाइक टू फोकस एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, एंड दैट्स वेयर माई फोकस इज, सो आई डोंट रियली टेक इट सीरियसली। कौन पूछना चाह रहे थे? जी, सपोर्टर्स, आप कब खड़े हो रहे हो इलेक्शन के लिए? पूछिए ना, आप सवाल पूछिए। किस जी, आप कोई स्पेसिफिक सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं? अच्छा है, अब लोग कम से कम उनके बारे में बात तो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले हुआ नहीं है।
ये बहुत वक्त से हो रहा है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, एंड इट्स वेरी गुड दैट टुडे इट इज़ स्पोकन अबाउट. देर आर पॉजिटिव्स ऑफ सो मच मीडिया एंड सो मच अटेंशन, देर आर नेगेटिव्स. वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स इज वेन समथिंग रॉन्ग लाइक दिस हैपन्स, इट इज़ टेकन अप एंड पीपल कांट इग्नोर इट, यू कांट जस्ट वॉक अवे. And that's something that's very, very good, and I'm very happy that it's been spoken about. I think a very harsh punishment is required. I don't think I'm qualified to say capital punishment होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, but मेरी feeling इसकी तरफ यही है कि जितनी harsh punishment हो वो ज़रूरी है to create a certain mindset in the people जो ऐसा सोच भी सकते हैं. There has to be fear in their minds and in their hearts. So it's important to put something very strong as an example for them. Thank you. Thank you.